नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और सभी लोगों को क्यूरियोसिटी होगी इस बात की कि ये क्या है न्यूरालिंक। जो बात चल रही है, एलन मास्क सर जो है उनकी कंपनी ने ये बनाया है दोस्तों। इसके बारे में क्योंकि मैंने वेबसाइट पर एक नया ब्लॉग पोस्ट किया है और मैं वहीं से आपको समझाऊंगा कि न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करेगी दोस्तों। आप इसको देख रहे होंगे, फाउंडेड बाय एलन मास्क इन्होंने बनाया है और इसका गोल जो है दोस्तों, डेवलप ब्रेन मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी। ये कहा जा रहा है इनको अभी जहां से मान्यता लेनी थी वहां से इनको मान्यता मिल गई है ह्यूमन ट्रायल करने के लिए, और ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा दोस्तों ब्रेन का जो बैक पोर्शन है वहां पर एक जो हम कहते हैं सिक्का जो होता है नोट, उसके आकार का एक चिप लगाया जाएगा जिसको लिंक नाम दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, स्मॉल डिवाइस कॉल्ड लिंक ये लिखा हुआ है, ये लगेगा दोस्तों। ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा जो है आपका दिमाग आपके कंप्यूटर से और मोबाइल से, जो भी एप्लीकेशन डेवलप किया जाएगा और जो भी आप मन में सोच रहे होंगे ऐसा कहा जा रहा है वो डायरेक्टली कंप्यूटर या मोबाइल आपका माउस कीबोर्ड के द्वारा करेगा ये ऐसा काम, ये बताया गया है दोस्तों। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो जिनको आंखों से दिखता नहीं है उनको दिखना शुरू हो जाएगा। जो पैरालिटिकल्स होते हैं, जिनको पैरालिसिस का अटैक आता है दोस्तों, वो चल फिर पाएंगे ये बताया जा रहा है। इसमें एक और कंडीशन रखी गई है कि 22 साल उम्र होनी चाहिए मिनिमम, 22 साल से छोटे वाले व्यक्ति के ऊपर आप इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। 22 साल से जो ऊपर है उसके ऊपर इसका जो है ह्यूमन ट्रायल होगा दोस्तों। और ये लिखा है देखिए, इनेबलिंग बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस दोस्तों, ये जो है यहाँ पर स्थापित करेगा। आप यूसेज देख सकते हैं दोस्तों, मेडिकल ट्रीटमेंट में ये काम आने वाला है, कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड लिम्ब्स थ्रू एडवांस ब्रेन मशीन इंटरफेसेस। न्यूरोसाइंस रिसर्च जो इस फील्ड में होते हैं उनकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आएगा दोस्तों। कॉग्निटिव एनहांसमेंट, न्यूरालिंक कुड पोटेंशियली बी यूज टू ऑगमेंट ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज, एनहांसिंग मेमोरी, अटेंशन एंड प्रोसेसिंग स्पीड। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है, आप इसकी खबर जो है दिन पर दिन सुनते जाएंगे। और क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी अभी शुरुआती दौर में है तो यहाँ पर हमें ये ज़रूर देखना होगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वेल दीज पॉसिबिलिटीज आर एक्साइटिंग, Neuralink is still in the early stages of development and ethical consideration, safety and regulatory approval will play crucial roles in determining its widespread use दोस्तों। और फ्यूचर जो है इसका, फ्यूचर भी मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल कहा जा रहा है जो कि होगा। और AI कोलोबरेशन में भी दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो सबसे बड़ा टर्म यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के लिए, Neuralink could facilitate direct communication between the human brain and artificial intelligence system। आप सोच सकते हैं दोस्तों, इसको ये कहा गया है कि एक रोबोट तैयार किया गया है जो इसको इम्प्लांट करेगा ह्यूमन ब्रेन में, क्योंकि ये जो लिंक है, जो ये जो सोने का सिक्का है उसके अंदर इतने कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नाजुक महीन से कह सकते हैं कुछ रेखाएं हैं जो कि अगर कोई ह्यूमन उसको लगाएगा तो वो डिस्टर्ब हो सकती है मे बी, इसलिए इसको बड़ा ही क्रिटिकल काम समझा जा रहा है। और जब ये इसमें इम्प्लांट होगा दोस्तों, इसके जो रिजल्ट निकल कर आएंगे वो रिजल्ट देखने होंगे किस तरीके से काम आते हैं और कैसे टेक्नोलॉजी एडवांसली तरीके से बढ़ती है दोस्तों। सोचने में एक्साइटिंग भी लगता है और सोचने में ये भी आता है कि क्या ये पॉसिबल होगा कि हम ह्यूमन के ब्रेन के साथ ये सब कर सकेंगे, कैसे जो है रेडियो सिग्नल्स आएंगे या जो भी कम्युनिकेशन स्थापित होगा वायरलेसली दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप ये जो है पूरा ब्लॉग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको इसकी जानकारी ज़रूर मिलेगी दोस्तों। और जैसे जैसे इसकी नई अपडेट्स आती जाएंगी दोस्तों, अभी ये कहा जा रहा है कि इस पे काम करने के लिए 6 साल की कहानी चलनी है और 6 साल तक ये पूरा रिसर्च वर्क चलना है दोस्तों, तब जाकर ये जो है पता चलेगा कि इस पर किस प्रकार से काम हम कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में आप समझा पाया होगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, कैसे इसका फ्यूचर होगा दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। Thank you.